ने पारस रोड, और क्या वो दिल्ली में क्या है सूफी उधर की डायलॉग मारा था मैंने पनोड़ी को बोला ऐसा नहीं डायलॉग था वो, ये पटेल को पता है, पटेल को पूछो। आज वो क्या रहे वो मुझे पनोड़ी की जो डायलॉग थी ना पटेल, मैं इतने हंस हंस के पागल हो गई थी, ऐसे मस्त मेरे लिए पर्सनली वीडियो बनाया, कितना टाइम है इसके पास यार, बस ये आई टू फोर फ्लाइट इन कस्टमर वो कस्टमर चांदनी मुंडी का जो डायलॉग था अरे जब जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो हमारे पास चल रहा है, नाम हो रहा है, जब हम डायलॉग में जानते हैं तब। टेक केयर बड़े, या इट इट इज रियली गुड पिज्जा, थैंक यू भाई। देखो सूफी भाई, मैंने इसको पिज्जा दे दिया, ये बंदा लेके जा रहा है, देखो भैया पूरा दे दिया इसको। अरे हाँ यार, वो देखो लेके बॉक्स जा रहा है, चिंता मत पूरा क्यों दे दिया। अरे मैंने चार स्लाइस तो खा ली, उसमें अभी भी चार स्लाइस पड़ी हुई है, तो चार स्लाइस वो खा लेगा अब। अरे यार मेरे को भूख लगी थी, मैं खा लेती। मैं यहाँ पे चिकन फ्राई कर रहा हूँ, सच में भूख लगी। अब मैं तेरे को कुछ बोलने वाला, तू हैरान होगी भाई। अब छोड़ यार, क्या यार। अरे मुझे सच में, मैंने आज ना रोटी नहीं बनाई थी यार, मुझे बहुत भूख लगी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं, बिस्किट भी नहीं है। दीपक का वो डायलॉग है ना, तेरे डिब्बे में से आटा दाल चावल सब खत्म है, इसीलिए नहीं, रोटी। नहीं आटा है लेकिन बनाने का मूड नहीं है यार। तो स्काई को बुला लो फोन करके। मैंने सुबह ही उसको बोला, वो बर्तन मांज रही थी। ओके मेरी बोला मैंने। ओके मेरी बहन थोड़ी ना, जो मैं स्काई को बोलूं 1000 रुपए दे देना महीने के। अरे काम वाली है वो, 1000 रुपए महीने दे देना। तो मेरी थोड़ी है, मेरी नहीं है ना। मुझे तो लगता है भाई मैंने इंस्टाग्राम में गलती कर दी, मुझे यही बोलना था बेबी, मैं भी बेंच और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का लड़का हूँ अमेरिका में। और मुझे पता है पनोड़ी है सच में पॉलिटिशियन, मैं बोलती। अच्छा मैं चंडीगढ़ आऊंगी तो सूफी आओगे एयरपोर्ट में? मैंने मैंने एक जन को बोला है कि आऊंगी चंडीगढ़, लेकिन एयरपोर्ट एयरपोर्ट के बाहर जो होता है ना, जो सूटकेस लेके खड़े रहते हैं, मैं वहीं खड़ी रहूंगी, वहीं से काम निपटा के भाग जाऊंगी। पहले मलाइका के ऊपर इतनी नजर गड़ा के खड़े ना, ये कब आई इसको कब ठोक दे, ये कब आई इसको कब ठोक दे बहन की लौड़ी को। लेकिन तुझे चंडीगढ़ जाना क्यों है? लेकिन में बैठे है तो कुछ काम करने जाने। अरे मैं तुझे बताऊंगा कैसे आना है, और सेफ आएगी सेफ जाएगी। कैसे? हाँ कैसे? तो अमृतसर आना एयरपोर्ट पे, अमृतसर से आना पहले इधर लुधियाना में मेरे पास। तो अमृतसर से अपना चंडीगढ़ कितना लंबा है? अरे सुन, सीधा अमृतसर मत जाइयो, अमृतसर से गाड़ी में बैठियो, फिर छुप छुपा के अंदर अंदर से जाइयो, गांव गांव से ऐसे खूंघट ऐसे कर। मैंने अरे लेकिन मैंने कौन सी किसी का मर्डर कर दिया जो मैं छुप छुपा के जाऊं? अरे सुभी भाई बुर्का पहन के भी जा सकती है ना? हाँ बुर्का पहन के भी जा सकती है ये। मैं क्यों पहनू, मैं जो हूँ मैं ऐसे ही ऐसे पहन के जाऊंगी टी शर्ट। अरे बट बुर्का पहनने में क्या बुरा है, बुर्का पहन के जा, सब अच्छा है। अच्छा तो अमृतसर कितना दूर है चंडीगढ़ से? अमृतसर से 3 घंटे लगेंगे तेरे को, दो पंजाब में दो। एक बार देखना है अमृतसर जाना है। हाँ तुझे जाना है। ये गुरुद्वारे, ये जो गुरुद्वारे का वीडियो है, ये दिल्ली का है क्या? न्यू दिल्ली जो मैंने डाला ना, सो डाउट ब्रो। नहीं वो पटियाला में है, पटियाला। मैं गई हूँ ऐसे ऐसे गुरुद्वारे दिल्ली में, गई हूँ न्यू दिल्ली में। हाँ तो शीशगंज साहब गई होगी, शीशगंज साहब। सेम लग रहा था मच्छी वच्छी, वो जो तुम टच कर रहे थे, मैं भी गई हूँ, मैं छोटी थी तब मासी की घर में, मैं सादरा में रहती थी ना। देख तू गोल्डन टेंपल जाना अमृतसर में, सोन स्वर्ण मंदिर बोलते हैं उसको हिंदी में, उसके चार दरवाजे सब खुले, कोई गेट नहीं है उसमें,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों को सब दिशाओं को ओपन है वो, कोई भी जाए। हर दिन 1 लाख आदमी वहां पर खाना खा के जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। हलवा पूरी मिलता है क्या? नहीं, वहां पे दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, चावल मिलेगी, खीर भी मिलेगी, डिपेंड्स ऑन, कोई पक्का मेन्यू नहीं रहता, जैसे जैसे बनता रहता वैसे वैसे वो। मैं तो सब जगह जाती, छोटी थी ना दिल्ली में, मेरे फ्रेंडों के साथ मंदिर भी चली जाती थी, मैं दरगाह भी जाती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी, इसलिए मैं ना बचपन से ही, मैंने कभी भी ना कोई चीज का माइंड नहीं किया ऐसा। मेरा तो भाई कॉकटेल है, सच बोले थे मेरी सोच कॉकटेल, मैं सब चीजों को मानती। मुझे गुरुद्वारे अच्छे लगते थे जाने के लिए, पता नहीं कितना साफ सुथरा, कितना साफ सुथरा रहता है उधर। मच्छी, मैं मच्छियों को टच करती हूँ, पता है गिजी बिजी, तुम्हारे पास तो उतने नहीं थे, मैं जिधर गुरुद्वारे की बात कर रही हूँ उधर तो पूरा भरा हुआ, बहुत बड़ा। वहां पे जाती थी, खीर पूड़ी देसी घी के हलवा बहुत पसंद। हलवा तो मिलेगा तेरे को गुरुद्वारा साहिब में। हाँ, मुझे वो पसंद है उधर। ये मेरा भी देखो कितना क्यूट है, मुझे ये वाले टॉय पसंद है सूफी जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये टॉय पसंद है। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, तुझे ऐसे पसंद है, बाकी लड़कियों को तो कुछ लड़कियों को तो दूसरे तरह के टॉय पसंद है। और हमारे पनौड़ी जी भेज भी देते हैं उनके लिए, बहुत बड़ा दे रहे हैं उनका। क्या हुआ? बड़ा दिल कैसे है आपका? क्या मतलब, आपके बारे आपकी तारीफ कर रही हूँ, आपका इतना बड़ा दिल है कि आप टॉयज भेजते रहते हो। तुम्हें चाहिए तो भी बता देना, भेज दूंगा। मेरे लिए कुछ नहीं, आपने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा भाई। टॉयज चाहिए तो ही बोलना। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई है जो अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अपने बॉयफ्रेंड से सेटिस्फाइड नहीं है, वो सब लोग मुझे डीएम करो, मैं उनके लिए भेजूंगा डिल्डो। जो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड ना हो उसके लिए क्या करेंगे आप? वो मर जाओ बहन, उनके लिए उनको मर जाना चाहिए फांसी लगा के बहन। किसी को सबको थोड़ी सेटिस्फाई करते फिरेंगे पनौड़ी भाई। नहीं, ये मुझे तो कर सकते हैं। तो फिर आ जाओ डीएम में। तो चलो ना, टाइम वेस्ट क्या करना, आओ ना। डोंट वेस्ट टाइम, मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ सच में। देखो भाई, फेम के लिए लोग कितना गिर जाते हैं पनौड़ी भाई, देखा आपने? तो फिर अच्छा, मैं सुफी एक बात बोलूं, चक्कर में फॉलोअर्स के चक्कर में कितना गिर जाते हैं भाई लोग। आओ ना। अरे सूफी सुनो ना, एटीएम में क्या करेंगे जाके फिर? कुछ भी नहीं समझो, एक दूसरे को बस बदनाम कर दो भाई, कुछ भी नहीं कर। भाई मैंने आज तक इस बंदी का अभी डीएम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, सोचो। करना चाहिए, खूबसूरत। वो दूसरी आईडी से नहीं किया, एक आईडी से किया हुआ है यार। देखो मैं भाई, देखो मैं फिर नशा में होता हूँ ना यार, तो पता नहीं मेरे से क्या क्या हो जाता है, इसलिए बेटर ये है कि भाई बात ही मत करो। आप रिप्लाई नहीं करते मेरा मैसेज का, वो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा तो तुम्हें भी यहाँ पे काला काला है। तारीफ, मैं इनकी एक तारीफ करना चाहूंगी। तुम्हें भी यहाँ पे काला काला है, यहाँ साइड में, दोनों साइड में। नहीं, मेरी शक्ल से लेके मैं पांव तक लेके बहुत गोरी हूँ, तो यहाँ साइड में काला काला मत है तुम्हें। सूफी जी ऐड कर लेना फिर से। अरे पनौड़ी भाई, इसका और पटेल का बार बार नेट क्यों घूमता है? दोनों का घूमता है भाई, 5 मिनट बैठेंगे गोल गोल घूमेंगे दोनों। क्यों लेकिन सच्चाई ये है कि ये और पटेल शादी करने वाले हैं। ये बंदी ऐसे ही मुझसे मजाक करती है, पटेल इसे शादी करने वाला है, ये अंदर की खबर मैंने दे दी और आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन पटेल अपना भाई है, पटेल ने मुझे प्रॉमिस की है कि पनौड़ी भाई मैं उससे इससे शादी कर रहा है पटेल। लेकिन पटेल ने मुझे बोला है कि पटेल की शादी होगी तो वो तो मेरा भाई है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा शादी में। तो उसने मुझे बोला है कि पनौड़ी भाई अगर आप बोलोगे तो पहले एक वीक के लिए
भाई आप मेरी टाप को ले जाना अपने साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ भाई। हाँ। उसने मुझे ये भी बोला है कि पनौड़ी भाई मैं तुम्हारा कच्छा भी धो दूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए कॉन्डम्स भी मैं ही लेके आऊंगा और मैं ही टाप को बोलूंगा कि अच्छे से दियो। नीचे पटेल है, ले रहा हूँ पटेल को ही ले रहा हूँ। पूछ लो पटेल को। पटेल तुम मेरा दोस्त हो के मुझे नहीं बताते हो। अरे मैंने इन लोगों का टाका भिड़वाया है, वो बंदी बोल रहे के मुझे अमेरिका आना है। मैंने बोला भाई देख मैं शादी नहीं करता तुझसे, तू पटेल से कर ले। भाई देखो ये बात सच है, ठीक है, और भाई मैंने तो बोला है दूध का ग्लास भी मैं रखूंगा। भाई लो बहनचोद पकड़ लो। बच्चे का सरनेम तो पटेल होगा, बट ये नहीं पता होगा कि पनौड़ी का पटेल होगा कि इसका पटेल होगा। भाई बाप का नाम क्या है? लेकिन सूफी बाप जिसका भी होगा प्यार तो। अरे इम्पोर्टेंट तो सरनेम होना चाहिए ना। पॉकेट मनी दोनों तरफ से मिलेगी, ठीक है, प्यार भी दोनों तरफ से मिलेगा, ये तो अच्छी बात है ना। देखो भाई गुजराती का दिमाग देखो भाई, बहनचोद मनी माइंडेड भाई ये बंदा पक्का। ये माइंड वाले होते हैं, हर चीज में फायदा सोचते हैं, बिजनेस। बैंक का लौड़ा कितना आरामी है ये। देखो घूम गया ना, ये इतना आरामी है, ये माधरचोद इतना आरामी है। जितनी बार इसने मुझे फोन किया ना, इसने ये पटेल ने, मैंने आज तक उसके स्टोर के मतलब के उसकी फैमिली को जानता हूँ मैं, ठीक है। अभी इधर आया है ये, इसको आए ज्यादा साल भी नहीं हुए है। वैन का लोड़ा जब भी मुझे फोन करता है ना, पनौड़ी भाई सच बताओ न्यूयॉर्क में कितने स्टोर है तुम्हारे, दूसरे कौन कौन से स्टेट में तुम्हारे स्टोर है? पटेल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। अरे भाई वो तो बोल गया ना नीचे कि है शादी हो, क्या वो तो कुछ भी बोलेगा। अरे शादी तुम्हारे साथ होगी, सुहागरात पनौड़ी के साथ होगी, बच्चा जो भी होगा उसका सरनेम पटेल ही होगा। अरे भाई शादी मतलब शादी पनौड़ी के साथ ही होगी, मेरी पटेल के साथ होगी। शादी पटेल के साथ होगी, सुहागरात पनौड़ी के साथ होगी, बच्चे का सरनेम पटेल ही होगा, कुछ चिंता नहीं हो। और पॉकेट मनी दोनों पापा देंगे। भाई तेरी तो मोजे हो गई भाई, बताओ ग्रीन कार्ड नहीं, वो बच्चा बोलेगा मेरे दो दो बाप। तुम्हें शादी करनी है तो बोलो, मैं पटेल से शादी नहीं करूंगी, सुन लो। तो अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें पटेल से ही शादी करनी पड़ेगी। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ कि पटेल अपना भाई है, मेरा छोटा भाई है वो। भाई वो तुझसे सिर्फ निगाह करेगा, लेकिन निगाह के बाद की जितनी भी रस्में होगी वो मैं निभाऊंगा। तो आप ही निकाह करो, आप ही सब कुछ करो ना, शादी आप ही करो। अरे मैं नहीं कर सकता यार शादी, तू समझती नहीं है। शादी अगर मैंने तेरे साथ कर ली तो मुझे पूरी जिंदगी मेरे साथ रखना पड़ेगा। मुझे तुझे मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देना पड़ेगा अगर कल को हमारा डिवोर्स होता है तो। ये तो पता ही नहीं था मुझे। वाओ ये तो फायदे का सौदा है, अल्लाह। तुझे सब पता है इसीलिए तू पटेल से शादी कर ले, और दूसरी रस्में है वो हम दोनों निभाएंगे। पटेल को कोई एतराज नहीं है, पटेल को मैं लालटेन लेके खड़ा रखूंगा। पटेल ऐसे लालटेन लेके खड़ा होगा और हम दोनों दे घुमा के। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि तेरा शौहर जिस पोजीशन में बोलेगा ना उस पोजीशन में मैं करूंगा। पटेल बोलेगा कि पनौड़ी भाई डॉगी तो डॉगी, पटेल बोलेगा कि ऊपर आ जाओ तो ऊपर आ जाऊंगा, जो पटेल बोलेगा वो करूंगा मैं। बट पटेल तो कह रहा भाई दूध का गिलास मैं खुद लेके आऊंगा और लाभ भी पकड़ दूंगा भाई, अपनी अपनी प्यारी टैब को मैं दुख। अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। उस अभी वो शादी करने के लिए जाने वाला, उसने तो ये बोला कि मैं जिस भी लड़की से शादी करूंगा ना पनौड़ी भाई, ठीक है, मैं आपके सामने उसको पेश कर दूंगा, उसके बाद आप जानो और वो बंदी जाने। उसको मैं शादी से पहले ही बोल दूंगा कि भाई देख इसके साथ इस बंदे के साथ तुझे 15 दिन तक रहना है, फिर वो मेरी मर्जी की बात है कि उस लड़की को उसके साथ मैं कुछ करूं या ना करूं। वो ये चाहता है, अरे वो ये उसकी ये ख्वाहिश है। उसने मुझे फोन पे बोला था कि पनौड़ी भाई मेरी जो भी वाइफ होगी ना तो पहला
सबसे पहला उसको आप उसको यूज करोगे और आपके स्पाम मेरे स्पाम उसकी चूत में जाने चाहिए। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो उसने ऐसा बोला कि जो लड़का होगा ना भाई वो आपकी तरह होगा, मुझे आप जैसा बच्चा चाहिए, पनौड़ी चाहिए मुझे, तो मेरी ये ख्वाहिश है, प्लीज मेरी ख्वाहिश है पूरी कर दो। ये देखो नीचे कमेंट क्या लिखा कि बेडरूम में दोनों का धक्का मैं ही मारूंगा, देख लो भाई। पटेल तुम कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ भूल गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो और कितनी गंदी बातें करने लग रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें शरीफ समझती थी भाई। पनौड़ी भाई ये टैब भाई मेरे को ना मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत ही तहजीब वाली लचकी है ये, बड़ी बहन चोद इसने सारी हदें पार कर दी भाई पनौड़ी भाई। इसकी वजह से मेरे और इसकी वजह से तो मेरे और सहजीन में भी बहुत झगड़े हुए थे। छी 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 टैब थोड़ी तो शर्म करो यार, हम लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसे कैसी सोच रखते थे और तुमने तो भाई हमारा ही दोस्त पटा लिया भाई, उसके भाई को भी पटा लिया भाई। नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं पटाया, ट्रस्ट मी मैंने किसी को नहीं पटाया, वो ये पहले से इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि भाई टैप तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं लगा देता हूँ पटेल को पीछे। मजे तो तुम भी बहुत पर पटेल अगर तुम पटेल मेरे साथ नहीं नहीं पेश कर सकता है, अगर तुम सच यूं कहता है मैं तुम्हारी तुम ब्लॉक करके भाग जाती इनको, तुम अभी भी बैठे हो मजे ले रही हो, तुम्हें तो बहुत मजे आ रहे, तुम तो चटकारे ले रही हो भाई। पटेल ने तो मुझे बोल दिया कि जिसके भी साथ मेरी शादी हो पनौड़ी भाई 15 दिन के लिए। हाँ, तो उसकी शादी किसी के साथ भी होगी कोई बात नहीं, मतलब मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ भाई, देख तुझे अमेरिका आना है, पटेल को शादी करनी है, तू मुझसे करती है प्यार, तो भाई तेरे तो एक तीर से तेरे तो तीन तीन काम हो जाएंगे पागल, तू अमेरिका भी आ जाएगी, पटेल से तेरी शादी भी हो जाएगी, तुझे ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा और तुझे मेरे साथ मजे करने को भी मिलेंगे। अनमोल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट आप ही के पास आ जाती हूँ ना, सारे काम आप ही के साथ हो जाएंगे, हाय माशाल्लाह कितना अच्छा हो जाएगा ना, मजा ही आ जाएगा। पनौड़ी काम नीचे करो, कर लो ना। नहीं नहीं मैंने शॉर्ट पहटे देखा, अरे मैंने शॉर्ट पहना है ना इसीलिए ऐसा होता है। अरे पनौड़ी अनमोल मैं तुझे बताऊँ एक दिन क्या हुआ, मलिका को कुछ दिख गया है तुम्हारा। एक दिन हमारी लाइव चल रही थी, लाइव मेरी चल रही थी, पनौड़ी भाई बैठे हुए थे अपनी BMW कार से उतरे और बोले देखो सूफी भाई मैं ऐसे सड़क पे कहीं भी सुसु कर सामान दिख गया भाई, सामान दिख गया पनौड़ी को, अरे लेकिन मैं नशे में था ना इसलिए पता नहीं होगा। तो भाई इसीलिए हम आपके भाई हैं, दोस्त हैं, इसीलिए कहते हैं भाई देखो कहीं नीचे से अंडे मत निकल। ये जो दो चार जो हरकतें होती है माई बाई चांस आप समझ गए वो सारी नशे में होती है। अरे इसमें नहीं दिख सकते अंडे, उसका रीजन बोलता हूँ मैं, ये जो मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है उसके अंदर भी वो नेट वाला अंडरवियर आता है, वो नेट वाला आता है ना अंडरवियर, और उसके अंदर भी मैंने अंडरवियर पहना हुआ है, तो दो सपोर्टर मैंने पहने हुए हैं, तो वो हमें नहीं दिख रहे ना इसलिए हमने बोला टांग को नीचे कर ले। देखो पनौड़ी भाई हमारा तो फर्ज है ना बताना। आप वो स्नेजी का सीन करके दिखा रहे थे, आप उस पोजीशन में मुसलसल रह गए, इट्स ओके चल जाता है, होता है कभी कभी। ये मुसलसल कहाँ से लेके आई तू ये नया वर्ड, मुसलसल किसे बोलते हैं लगातार, मेरी इंग्लिश भी भीग है थोड़ी, मुसलसल मतलब घमासान, घमासान पता है तू, घमासान कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी इट्स कंटिन्यूटी। अरे मुसलसल मतलब घमासान जो जबरदस्त होता है जोरदार होता है उसे मुसलसल बोलते हैं, चमक भाई आज तो कंटिन्यूटी को बोलते हैं लगातार लगातार जैसे बोलते हैं लगातार बार। मुझे उर्दू आती है भाई मुझे। तो पटेल ने तो बोला ही है कि तुम पनौड़ी भाई मुसलसल टूट पड़ना था आप पे। पटेल तुम होते कौन हो इनको ये मशवरा देने वाले, अरे वो मुझे जो करना होगा मैं इनके साथ कर लूंगी, ये जो करना होगा वो कर लेंगे। पटेल क्यों अपने मशवरे पेश कर रहा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इनको मेरे से शादी करनी होगी 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 होगी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, सुनो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना सूफी भाई,
मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, राइट, तो उस कॉलेज में मतलब के यू समझ लो के जस्ट रियली रिच पीपल यू नो अफोर्डेड दिस कॉलेज, के बहुत ही अमीर लोगों के बच्चे उस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे बहनचोद, और ये दो कौड़ी का पटेल हमारी कॉलेज में आके पार्किंग लॉट के अंदर हमारी लौंडियों के ये लोग लाइन मारने के लिए आते थे हमारी कॉलेज की लड़कियों को। वाओ, पूछो उसको, ये दो कौड़ी का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा ऊपर, पूछो उसको उसने ही मुझे बताया, उसने मुझे पूछा कि परोड़ी भाई कौन सी कॉलेज में थे, मैंने बोला मैं सेमकॉम में था, तो इसने फिर बोला कि भाई हम तुम्हारी कॉलेज में लौंडियों को लाइन मारने के लिए आया करते थे, मैंने बोला क्यों, तो उसने ही बोला कि वहां पे बहुत ही अच्छी अच्छी लौंडी आती थी ना आपकी कॉलेज में, ये औकात है इसकी, लो अभी ऊपर। वो कह रहा भाई सारी बातें मत बताओ, सारी बातें मत बताओ। चुप हो जाओ अब। तुम्हारी इज्जत मत है पटेल, तुम्हारी इज्जत मत है। लोग कह रहे महाजन आया लाइव पर, भाई महाजन है क्या इधर? ओ महाजन, तेरी माँ का भोसड़ा, रात को 2:30 बजे तेरी माँ की चूत में घुस जाऊंगा, अब स्काई की चूत में से तो निकल गया मैं, तेरी स्काई का भोसड़ा बहुत बड़ा है महाजन, बहुत मजा आता है मुझे तेरी भोसड़ा जब वो खोलती थी ना भाई, बहुत मजा लेता था मैं तेरी स्काई के साथ, बहुत मजे दिए उसने मुझे। अरे बट पनोड़ी भाई महाजन को रहने दो, बख्श दो, मैं बार बार कहता हूँ उसको मत छेड़ो भाई, वो बेचारा ना भाई उसका कोई कसूर नहीं है यार, स्काई के साथ पंगा है ना भाई, उसकी गांड मार लो कोई चक्कर नहीं, मैं महाजन को छोड़ दो। अरे मैं तो महाजन को क्यों, मैंने तो भाई देखो मेरा ये काम है कि उसको समझाना, महाजन ने अपना लाइव ऑन किया इधर नहीं भाई, मेरा काम उसको ये है कि समझाना, ठीक है कि भाई समझ जा सुधर जा, ये बंदी तेरे साथ होते हुए भी लोगों को भोसड़े दिखाती है भाई, तू पड़ा बैंके लौड़े वहां दो कौड़ी के तेरे घर में, ये बंदी अपने घर बॉम्बे में है भाई, तुझे क्या पता ये बंदी रात को क्या क्या करती है लोगों के साथ वीडियो कॉल में। हाँ एक बात की गारंटी है, ये चुदवा नहीं सकती बिकॉज के उसके भोसड़े में से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये चुदवाती नहीं है, लेकिन ये लोगों के साथ इसी वजह से वीडियो कॉल पे मजे लेती है, ये बोलती है ना कि मैं तो वीडियो कॉल पे कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल में बिलीव करती। अरे प्रैक्टिकल में तुम कैसे बिलीव करोगी, खा ले अपने मरी हुई माँ की कसम कि तेरे भोसड़े में से खून नहीं निकलता, जा अपने व्यूअर्स को बता कि भोसड़े में से भाई इसके खून निकलता है। क्या आप घूम गई है? अरे मैं तुझे सच कह रहा हूँ, इसका और पटेल का कोई ना कोई अंदर कनेक्शन है, देख लो भाई व्यूअर जितने भी देख रहे हो, कभी ये घूम रही है कभी वो घूम रही है भाई, ये इनकी अंदर से पक्की सेटिंग है, दोनों घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ और हमें भी घुमा रहे हैं ये लोग। महाजन को बोलो जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो हिजड़े को जाके बोलो कि अगर एक बाप की औलाद है ना तो बहन के लौड़े तेरे बाप की लाइफ पे या तो मुझे लाइफ पे ले, देख तेरी 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 बंदी को कैसे नंगी करता हूँ मैं। वो नीचे मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है पनोटी भाई को गाली दे रहे मलाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि ब्लॉक करके तो रंडिया गाली देती है, भोसरी के असली मर्द है ना तो तेरे बाप को लाइफ पे ले, यही तो देख तेरी बंदी को कैसे नंगी करता हूँ मैं, ये तो लोगों की प्रॉब्लम है, बेंच दम नहीं है और ब्लॉक कर देती है। महाजन को फोन करता हूँ, बता उसका नाम पर बता। लेकिन सूफी देखो ये बात तो पनोट बोलते हैं कि इसका ही है, चलो आके दोस्ती कर लो, तो महाजन क्यों गाली देता है, वो बात तो उस पे लागू होता है। अरे उसका बड़वा है ना महाजन, इसीलिए। अरे मैं पूछ महाजन को फोन करती हूं, सूफी हम लोग इनफ करवाना चाह रहे हैं, जो मतलब मिलाना चाह रहे हैं, कल रात से हम मैं अरे मुझे मिलना ही नहीं है भाई, मैं थक चुका हूँ मूठ मार मार के, अब कितना है? अब मेरा लौड़ा बहनचोद मेरा लंड है या क्या है,
भाई थक जाता हूँ मैं, दिन में दो दो बार बंदी बोलती है, कभी तो चार चार बार बोलती है। लेकिन बात जो है खत्म ही नहीं हो रही है यार, बात बढ़ती जा रही है दिन बाद दिन। तो बड़ा मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हर रोज इसको, अब मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। उसने खुद लोगों को बोला है कि पनौड़ी मुझे प्यार करता था, पनौड़ी मेरे पीछे था, वीडियो कॉल पे हमारी बात होती थी, वो खुद लोगों को बोल रही है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, सच ही तो बोल रही है वो। अनमोल मेरे को डीएम करियो महाजन का नंबर, मेरे को कभी कॉल वॉल नहीं किया, ये भी झूठ बोलते थे। तेरे पास है महाजन का नंबर? महाजन का नंबर मेरे पास नहीं, पर मैं लेके दे दूंगी। अरे हाँ, फ्रेंड्स अपने। अरे गुड्डू के पास है, गुड्डू के पास, गुड्डू बुक। उसको बोल दो तुम फोन करके, आपको मैसेज कर देती हूँ उसको। अगर गुड्डू ने मुझे भाई सुन मेरी बात, भाई अनमोल तू मेरी बात सुन, ये स्काई तेरे बारे में बोलती थी कि भाई ये रंडी है, ये बार डांसर है, इसका भाई नहीं है उसका बेटा है, इसको मैं फ्लैट से निकाल के मारूंगी, ये पुलिस स्टेशन में जाएगी, भाई तेरे साथ कुछ भी हुआ? अरे कैसे होगा भाई? तो भाई इतने बड़े पॉलिटिशियंस की, अगर इतने बड़े पॉलिटिशियंस की लड़की है तू तो तेरी माँ की चूत तेरी, ये तो तेरे गांव से है ना, ये अनमोल, अनमोल का तो तू झाटका बात तोड़ नहीं पाई, और बातें तू बड़ी बड़ी चोटती रहती है लाइव पे बैठ के। अरे तो अरे लास्ट टाइम जब लाइव पर आई थी तब भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जब मैं बैठी हुई थी। ये इसका दल्ला महाजन, ये महाजन दल्ला इसका बहन का लौड़ा, दो कौड़ी का तुफी। रुको बे, मैं महाजन की बीबी की वीडियो दिखाता हूँ, मैं दूसरे फोन से लाइव आ रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन से लाइव। मैं इधर हवाबाजी क्यों करूँ खुद को लेके, सही बात है। आज जो हो लाइट चलेगी क्या? बिल नहीं भरा, लाइट कैमरा ऑन कर, कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रही क्योंकि दूसरा फोन का बैटरी खत्म हो गया, इसका कैमरा अच्छा नहीं है। देखा दूसरे फोन पे ये पटेल के साथ डीएम में लगी हुई है भाई। अरे नहीं तौबा, मेरे ऐसा मत बोलो प्लीज, वरना सब कल यही बोलने लग जाएंगे कि मेरा पटेल के साथ अफेयर है। मुझे जो गाली देते हैं ना, जिसे अभी कोई भी गाली देते है, मैं इसके आऊंगी, मैं इसके ऑफिस में घुसूंगी, मैं इसके घर में घुसूंगी। आ जाओ, मैं माइंड नहीं करती, मैं इंस्टाग्राम की बातें माइंड नहीं करती। मुझे स्काई ने भी बोला तुझे थाने से घसीट के लाऊंगी वाशी। तो तुम्हारे प्रोफेशन को लेना देना क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। माइंड ही नहीं करती हूँ मैं, तो जानबूझ के कोई उंगली करता है फिर मैं माचो होती, तुमको भी पता है सोफी। फिर मैं कंटिन्यू एक हफ्ता दो हफ्ता गाली देती रहती हूँ। अच्छा क्या पीती है जब तू गाली देती है, कौन सा नशा करती, सच्ची बता। अल्लाह की कसम कोई नशा, मैं सिर्फ अदरक वाली चाय। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो भाई करती होगी भाई। नहीं, जिस दिन वोडका पी लूंगी सूफी तुम मुझे बैठा लेना, पूरा सुबह 8 बजे तक लाइव बंद करने नहीं दूंगी, और ना अब बंद दोबारा ऑन। अब अभी अपनी कसम खा रही थी कि अल्लाह की कसम मैं नहीं करती कुछ, बस जिस दिन वोडका पी लूं उस दिन भाड़ दूंगी एक एक की। नहीं, 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 जो सुनो, जो अल्कोहल होती ड्रग नहीं होती, वो जो शराब भी ड्रग्स नहीं मानते उसको, नहीं। नशा ऐसे बोलते हैं यार, ड्रग्स अलग है, ड्रिंक अलग है, गुटका अलग है, आप इसको मैच नहीं कर सकते। अनमोल डॉक्टर है कुछ कि किसी भी, अरे सूफी जी कुछ लोग ऐसे होते हैं एक नशे की कोशिश करते हैं, वो ड्रग्स भी लेते हैं, टबैको भी खाते हैं। अच्छा पनौड़ी भाई आ गए, पनौड़ी भाई आ गए अभी। सूफी एक बात बोलू, सूफी ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया, ठीक है, सब किया। भाई लाइव को शेयर करो, लाइव को शेयर करो, एक जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ भाई, मेरे व्हाट्सएप पे आई है वो चीज, और सबको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हवाबाज नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो दिखाता हूँ, और मेरे पास वो चीज रियल होती है। टैब कैमरा ऑन कर ले, कैमरा ऑन कर लो। अच्छा इसका कैमरा अच्छा मत है। हाँ कोई बात नहीं, कैमरा ऑन कर। अरे ये मेरा कैमरा मेरी ब्यूटी पे उंगली उठा रहा है। ठीक है मैं कर लेती हूँ, बट देखो बैच इसमें क्लियर नहीं दिखता फेस मेरा,
क्योंकि इसका कार्ड बना क्या है। भाई लाइव को शेयर करो, मैं जबरदस्ती दिखाने जा रहा हूँ आज, सिर्फ थोड़ी झलक दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि पनौड़ी भाई फेंक रहे या झूठ बोल रहे। देख लो भाई, ये किसी की पिक्चर वीडियो है, देख लो भाई ये वीडियो, एक मिनट। क्या था ये? अरे पागल है, ये दिख नहीं रहा है क्या है ये वीडियो? अरे वो हमारे बारे में बात नहीं कर रहा पनौड़ी भाई। अरे मुझे क्या, जिसके भी बारे में बात कर रहा है भाई, मैं पैसा लगाता हूँ डिटेल्स निकालने के लिए, फिर पब्लिक को मैं दिखाऊंगा नहीं तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे भाई। पता नहीं कितने अकाउंट को मैंने कांटेक्ट करके ये वीडियो निकलवाई है। अरे 40 लोग बैठे हैं पनौड़ी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? 40, जस्ट 40 लोग। अरे 50 लोग बैठे हो या 5,000 लोग बैठे हो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता व्यूअर्स से। मैं जो पैसे खर्च करता हूँ वो तो चीज में दिखा के ही रहूंगा, ठीक है? ये वीडियो है महाजन की जो बीबी है ना कनाडा में, जो टैंगो पे नंगा नाच करती है, इसकी वीडियो है ये। इसकी वीडियो आई है मेरे पास टैंगो के भाई, मैंने टैंगो के अंदर की, उसके कुछ कस्टमर्स है उनका मैंने कांटेक्ट किया, राइट? उनको मैंने थोड़े अकाउंट में पैसे ठूंसे तो उन लोगों ने मेरा काम कर दिया और उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। इससे नहीं हो पाई है क्योंकि टैंगो में तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हो ना तो पता चल जाता है टैंगो में। मैं बताती हूँ सोफी को क्या होता है। सोफी मुझे ना 2-3 मैनेजर ने, जब मेरा 6 महीना काम बंद था तो मेरा एक डांस देखा था, मेरी एक जो मॉडल फ्रेंड थी वो होस्ट करती थी एक जगह पे, उसको 2.5-3-4 लाख रुपए मिलते थे महीने का। तो मैं उसकी पार्टी में डांस कर रही थी तो मेरा डांस उनको अच्छा लगा, मुझे होस्ट बना दिया। बाद में मेरे से पैन कार्ड मंगाया मेरा अकाउंट ओपन करने के लिए, मुझे महीने का 1.5-2 लाख रुपए मिलता था। उसने टैंगो पे ट्रांसफर किया मेरी आईडी पर, मैंने मना किया। क्या होता है उधर बताती हूँ, लोग तुमको गिफ्टिंग करेंगे, तुम उनके प्राइवेट में जाके, मैंने मना किया, हम लोग ऐसे नहीं है, समझ गए? गिफ्टिंग करेंगे पर तुमको ओपन होना पड़ेगा उनके सामने। अरे पनौड़ी भाई याद है आपको, एक मिनट पनौड़ी भाई आपको याद है एक दिन मैंने आपको कहा था कि हमारे इंस्टाग्राम से कुछ लोग ट्रांसफर हुए हैं टैंगो पे? पनौड़ी भाई हम भी चलते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो प्राइवेट रूम में ऐसे कपड़े वपड़े उतारते हैं। भाई हम क्या उतारते प्राइवेट रूम में, मुझे इंस्टाग्राम की 6 लड़की ऐसी पता है जो मुझे जानती है, जिनको मैं जानता हूँ, वो प्राइवेट में जाके अपने कपड़े उतारते हैं। मैं नाम के साथ बोल सकता हूँ, एक तो ये है, दूसरी 3 लड़की दिल्ली से है, दूसरी 1 लड़की बॉम्बे से है, मैं सबको जानता हूँ भाई। अरे वो एक दो लड़की नहीं है भाई, जितने बीगो पे थे सब इस पे है टैंगो पे। बट पनौड़ी भाई आप किसी लड़की की इज्जत मत उछालना, बिकॉज़ वी प्राउड ऑफ यू भाई, आप लड़की की इज्जत मत उछालना। हाँ, वो तो अलग रहती है ना पनौड़ी, छोड़। पर मैं बता रही हूँ सूफी कि उधर ऐसा होता है, जब मुझे उन्होंने बताया कि भाई आपका गिफ्टिंग नहीं हो, मतलब गिफ्टिंग तो किसी ने मुझे ऑफर दिया बीगो वाले ने कि हाँ, तो तू अब उधर एटीट्यूड दिखाती थी सिर्फ, मैं शो करती थी उसपे, शो डांसिंग का, मुझे उसके लिए 1.5-2 लाख रुपए मिलता था, कभी 2.5 लाख भी मिलता था। गिफ्टिंग ड्रैगन 33,000 की पाकिस्तानी जो अमाउंट है सिर्फ, मैं नंबर दिखाऊंगा, देखो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये कनाडा का नंबर है, पहले 3 डिजिट दिखा रहा हूँ, देख लो भाई, +646 देखा, ये कनाडा का नंबर है। एक मिनट, जिसने मुझे भेजा, और देखो भाई क्या भेजा है, वो देख लो भाई क्या भेजा है वो। अरे मत दिखाओ पनौड़ी भाई, ठीक है भाई, मैं हवाबाजी नहीं करता, अभी एक तेरी इज्जत उछालने में 1 सेकंड लगेगा मुझे। यहाँ पे वीडियो प्ले की और माँ चुद गई, लोगों ने रिकॉर्ड की और वायरल हो गई। मैं बताती हूँ, एक लड़की को बहुत गिफ्ट, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड बीगो पे ना एक लड़की को बहुत गिफ्टिंग होता था,
वो लड़की ने बीगो से पटाया हुआ बंदे को घर पे लेके आई, उस बंदे ने अपने फोन से जितने स्टेप किए थे उसके साथ कुछ थी, तब उसने अपने कैमरे में कैप्चर करके जब उसने उसके साथ वो चीटिंग बाजी की ना, सारा का सारा डाल दिया। इसलिए ये ओरिजिनल है सच में। I don't have lot. I have the strawberry watermelon. करते ना ड्रैगन रोस्टर सावर एप्पल भूम से आती है गाड़ी महंगी पाइनएप्पल आई और गिफ्टिंग तभी लोग करते हैं जब ये सब करते हैं। मिंट आई हैव एयरबार बार ऑफर था ना, मैं नहीं गई, मुझे नहीं पसंद है यार। दिस इज एल्फ बार जब से वो स्टार्टिंग से आया है ना बना हुआ है। मेरा खुद मेरी 10 लाख काम करती है, 5 ने लेफ्ट ऐप को लेफ्ट कर दिया क्योंकि वो कह रही थी कि हम प्रॉफिट वगैरह नहीं करेंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी है, सब करो, बाय बाय करो। मैं वीगो पे सिर्फ जैसे 6,000-7,000 लोग है ना, तो उसमें शो करने का, उसमें तुमको रैंडम पब्लिक है ना गिफ्टिंग करती है, फिर उसी से आपसे जुड़ते हैं, फिर आप जब लाइव ऑन करते हो ना, कुछ बंदे लोग है ना करते हैं लाइव पे आके गिफ्टिंग करते हैं, तो ये मेरा कला था। मेरी लाइव बंद होने वाली है।